सीधे लिए चलते सिवनी, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम शिवराज कुछ कह रहे हैं, बताओ सही है कि नहीं, पीछे भी बताओ सही है कि नहीं, क्यों लेकिन ये भेद? कहने लगे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं, बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती, लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने विकास किया और ऐसी मशीनें आ गई कि पेट में कोख में बेटा है कि बेटी है ये पता कर लो, तो पाप हुआ पाप। अगर ये पता चला कि कोख में आने वाला बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को मेरी बहनों और भाइयों कतल खाना बना दिया गया, कोख को कतल खाना बना दिया, बेटियों को जन्म लेने से रोका, जमाने ने जन्म लेने से रोका। बोलो सही बात है कि नहीं? आज सब बहनों से पूछ रहा हूं, भाई के साथ बोलना सही है कि नहीं? और उसका परिणाम क्या हुआ? बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी, 1000 बेटों पर 900 बिटियां रह गई। बताओ, बताना मेरी बहन भी और भाइयों भी, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिली तो जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती। और इसीलिए मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि हे भगवान ये अन्याय क्यों? इस देश की धरती पर बेटियां क्यों मारी जाती है? इस देश की धरती पर हमारी बहनों के साथ अन्याय क्यों होता है? बहनों के साथ पति पत्नी का अगर झगड़ा हुआ तो पति ने कभी भी उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया कि चल निकल घर से। अब पति और पत्नी दोनों की जोड़ी है, लेकिन बहनों के साथ ये अन्याय भी होता रहा। जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, साथ पानी की बूंद आ रही है, और इसलिए आसपास जो हमारे कार्यकर्ता और साथी है जरा ये ध्यान रखेंगे कि उसके कारण तकलीफ ना हो। और इसलिए मन में दर्द होता था कि बहनों की स्थिति को ठीक, जरा थोड़ा ध्यान रखें। अपने पुलिस के बाकी साथियों से भी मेरा आग्रह है कि ये डंडे पकड़ने पड़ेंगे, थोड़ा हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है ताकि कोई के कोई को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए मेरी बहनों, मन में ये विचार आता था सारे हमारे सुरक्षा में लगे लोग ध्यान देंगे आसपास, मन में ये आता था कि बेटियों के साथ ये अन्याय समाप्त करना चाहिए, और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे ताकि बेटी को पढ़ाई के समय भी मदद कर पाए, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 1,00,000 रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 44,00,000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने, मेरी बहनें आज बैठी है, मैं एक बार फिर पुलिस के मित्रों को कह रहा हूं जरा मैदान में फैल जाए और कोई डंडा अंडा हवा में उड़ के किसी को चोट ना पहुंचाए इसका इंतजाम करें, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 44,00,000 बेटियां जो पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2,000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी तो 4,000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं जाएगी तो 7,500, ग्यारहवीं बारहवीं में 6,000 रुपया और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,00,000 रुपया मिल जाएंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। और केवल इतना ही नहीं,
बहनें आगे बढ़े, शक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बैठी है। मेरी बहनों, पुराने जमाने में बहनें चुनाव थोड़ी लड़ती थी, चुनाव लड़ते थे भैया। बहन क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी।